नमस्कार दोस्तों तो स्टडी आप सभी लोग का स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी बायोलॉजी में हम लोग दो, दोस्तों फोटोसिंथेसिस और ये प्लांट्स में बायोलॉजी के अंदर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और हम लोग देख चुके हैं प्लांट न्यूट्रिशन अब हम लोग देखेंगे प्लांट हारमोन्स तो चलिए देखिए लिखा है प्लांट यहाँ पर दोस्तों ये है कि डिटेल स्टडी होती है ठीक है ना ये जो नोट्स है ये डिटेल स्टडी है और केवल ऑब्जेक्टिव कारण से क्वेश्चन जो बनेंगे नए बनेंगे वो छूट जाएंगे द प्लांट हारमोन्स ऑल्सो नोन एज फाइटो हारमोन्स आर सच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज च आर फॉर्म्ड इन आवर टिश्यू आर आर्गन ऑफ द्लांट्स ठीक है ना दोस्तों एंड आर देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर साइड्स वेयर दे प्रोड्यूसपेसिफिक इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो देखिये दोस्तों क्या कर रहा है कि प्लांट को प्लांट हार्मोन्स को क्या नाम जाना किस नाम से भी जाना जाता है फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है आर सच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर फार्म इन वन टिश्यू आर द दर्गन ऑफ द प्लांट्स एंड आर देन ट्रांसमिटेड टू अदर साइट्स वेयर दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट हार्मोन्स आर सिंगल मॉलिक्यूल्स Produced within plants that occur in extremely low concentration, unlike in animals, in which hormones production is restricted to specialized glands. So, each plant cell is capable of producing hormones. Each plant cell is capable of

इसके अंदर ग्रोथ प्रोमोटर्स के अंदर थ्री हार्मोन्स को रखा गया है कौन कौन से हैं और तो ये दोस्तों यही महत्वपूर्ण है ठीक है ना ये तीनों पूछता है कि कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स से तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए आक्सींस जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन चलिए आगे चलते हैं अब देखिए आक्सिन क्या काम करता है आक्सींस आर one of the most important group of plant hormones because of their many sided role in plants. These substances are also first growth factors identified as plant hormones. First growth factors identified as plant hormones. The chief natural oxygen is Indole-3-acetic acid. चीफ नेचुरल ऑक्सीज इज इंडोल थ्री एस्टिकसिड इट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन फाउंड इन प्लांट्स अदर नेचुरली आकरिंग ऑक्सींस आर इंडोल थ्रीड एसिड एलडिहाइड इंडोल थ्री पायरुविक एसिड इंडोल थ्री एसिटो एसिडो नाइट्रिल इंडोल थ्री एसिडो

फर्स्ट नैपथल नेपथलिन एस्टिक एसिड फर्स्ट नपथलेन एसिड और फेनिल एसिटिक एसिड फेनिल एस्टिक एसिड टू फोर डी जो ये दवा है टू फोर डी फेनाक्सी एस्टिक एसिड डाइक्लोरो फेनाक्सी एस्टिक एसिड टू फोर फाइव टी ट्राइक्लोरोक्सी एस्टिक एसिड तो इनको भी ये भी दोस्तों ऑक्सीजन की तरह एक्ट करते हैं ठीक ना टू फोर डी और फाइव फोर आ, टू फोर फाइव टी अब चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑक्सीन द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीस ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज बाई इट्स इफेक्ट ऑन इलांगेशन ऑफ सेल्स इन सूट तो आप जानते हैं कि पौधों में जो जमीन से नीचे रहते हैं उनको रूट कहते हैं और जमीन से ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं सूट कहते हैं ठीक ना तो इज बाय इट्स इफेक्ट ऑन द इलांगन ऑफ सेल्स इन सूट तो सूट में सेल्स के इलांगन करने में इसका इसका काम है ऑक्सिन का ऑक्सिन कंट्रोल्स ट्रॉपिक मूवमेंट एज फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म इन प्लांट ठीक ना ट्रॉपिक मोमेंट आक्सन कंट्रोल्स ट्रॉपिक मोमेंट एज फोटोट्रोपिक मैने सूर्य की तरह एंड जियो ट्रोपिज्म इन प्लांट तो कौन से हिस्से जो है सूर्य की तरफ बढ़ेंगे और कौन से दो आ, आ, हिस्से जो है जमीन की तरफ बढ़ेंगे अर्थात तो, जड़ और तना वाली बात कर रहा है आक्सिन इनहेंस द एपिकल ग्रोथ एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स क्या कह रहा है ऑक्सीन इनहेंस द एपिकल ग्रोथ एंड रिटार्ड मैंने बाधा डालना रोकना द ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स ऑक्सीन प्रोमोट द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू एंड प्लांट्स ऑर्गन्स ऑक्सीन प्रोमोट द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू एंड प्लांट आर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल रूट डेवलपमेंट इन ग्राफ्टिंग बाय अप्लाइंग रूट इनिशिएशन। देखिए ये बहुत अच्छा बात बता रहा है प्रोमोट द डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट्स एंड टिश्यू एंड प्लांट आर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल रूट डेवलपमेंट इन ग्राफ्टिंग बाय अप्लाइंग रूट इनिशियंस

टू फोर डी एंड टू फोर फाइव टी आर यूडीसाइड टू इरेडिकेट्स ठीक है ना? नासी है दोस्तों टू इरेडिकेट वीड्स चलिए आगे चलते हैं ऑक्सी रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बर्ड्स आन अप्लाइंग ऑक्सीन कोल्ड स्टोरेज टोमेटो इज स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन रिटार्ड रिटायर्ड ग्रोथ ऑफ बर्ड्स ऑन अप्लाइंग ऑक्सीस इन कोल्ड स्टोरेज टोमेटो कोल्ड स्टोरेज टोमेटो इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन चलिए दोस्तों रहा के बारे में अब चलते हैं जिब्रलिन के बारे में देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन बैक टू नाइनटीन सेंचुरी

बिकॉज इट मेड द यंग राइस प्लांट्स ग्रो रिडिकुलसली टाल। इट मेड द यंग राइस प्लांट्स ग्रो रिडिकुलसली टाल इन्फेक्शन बाई ए फंगस जिब्रेला पुजी कोरी वाज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन्फेक्शन बाई फंगस जिब्रेला फुजरो जिब्रेला फुजिकुरोई वाज रेस्पिबुलर दिज डिजीज ए प्लांट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एब मेंशन्ड फंगस वाज रेस्पॉन्सिबुलर द फुलडलिंग डिजीज विच वाज गिवेन द नेम जिब्रेलिन ए प्लांट हार्मोन सिक्रेटेड बाय फंगस वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर फुलिस डिजीज विच वॉज गिवेन बाई गिवेन द नेम जिब्रेलिन इट वॉज लाटर डिस्कवर दैट जिबरेलीस आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ट बाई द प्लांट्स देम सेल्व यह बाद में जाना गया कि ये पौधों के द्वारा भी स्वतः उत्पन्न किया जाता है एंड दे कंट्रोल मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्रास्ट द लाइफ साइकिल पौधों लाइफ साइकिल में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है चलिए आगे चलते हैं फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स जिब्रेलिन्स बीन सोन टू तो बी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द एपिकल मेरिस्टेम प्रोटेक्टिंग द एपिकल मेरिस्टेम फ्रॉम द इनिबिटरी इफेक्ट ऑफ इंडोजिनस ग्रोथिटर सचिन इनहबिटर सचाइज डार्मि जिब्रलिन्स प्रमोट सूट ग्रोथ मेनली बाई असिलेटिंग रोल्स ऑफ सेल इलांगन जिब्रलिन्स प्रमोट Suit growth mainly by accelerating the role of cell elongation and cell division in the apical meristem organ where young uh, internodes are developing. Lang demarcated marked increase in gibberellin level at the time of bol bolting when a रोसेट ग्रोथ फॉाम डॉर्फ स्टार्ट्स ग्रोविंग इन ए लांगिट्यूडिनल डायरेक्शन जिब्रलींस डू नॉट अफेक्ट द ग्रोथ रूट्स जिब्रली नॉट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ रूट्स अदर फंक्शन ऑफ जिब्रलिन्स आर फ्लावरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अदर फंक्शन ऑफ जिब्रलिन्स आर फ्लावरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पार्थेनोकार्पी ब्रेकिंग डार्मेन्सी सेल डिवीजन इन कैम्बियल जोन चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ लिप्स एंड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इट इज ईड बाई देंग एजेंट इट इज ईड आई द्रेइंग एजेंट टू इंक्रीज सुगर केन ईड बाय लेंथनिंग ऑफ द स्टेम ठीक है ना ये शुगर केन में भी प्रयोग जाता है इट इज इड आय स्प्रेइंग एजेंट टू इंक्रीज शुगर केन लेंथनिंग ऑफ स्टेम चलिए तो ये जिब्रलिन हो गया अब हम लोग चलेंगे साइटोकाइनिन के बारे में देखेंगे साइटोकाइनिन्स आर सच ऑर्गेनिक विच प्रमोट द किनेसिस ड्यिंग सेल डिविजन साइटोकिनेसिस ड्यूरिंग सेल डिविजन काइनेटिक एंड जीटीन एक्ट आज साइटोकिनिस एंड जीटीन जीएटिन एक्ट आज साइटो काकोनट मिल्क है साइटोकाइनिन क्या कह रहा है कोकोनट मिल्क है साइटोकाइनिन साइटोकैनिस कंट्रोल सेल डिवीजन, मार्फोजिनेसिस काउंटर एक्शन आफ एपिकल मेरिस्टेम ब्रेकिंग द डारमेंसी डिके आफ सिक्वेंसेज क्लोरोफिल डिसअपियरेंस एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन डी के सेनेसेंस डिके आफ सेनेसेंस And They are used to keep fresh अब दो प्रकार के थे हारमोन जो एक ग्रोथ प्रोमोटर थे और दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर तो ग्रो, ग्रोथ प्रोमोटर में हम लोग देख लिया ऑक्सीन जिब्रिल एंड साइटोकाइनिन अब हम लोग देखेंगे दोस्तों ग्रोथ इनहिबिटर्स दिज हारमोन इनहिबिट द्रोथ ऑफ प्लांट्स अंडर दिस कैटेगरी टू हारमोन आर प्लेस्ड तो यहां पर दो हार्मो आपको पढ़ने हैं कौन कौन से आपसीसिक एसिड फिजियोलॉजिकल फीजुला, रोल ऑफ आप, आपसी एसिड आर एच फॉलोज रेगुलेशन ऑफ डारमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स रेगुलेशन ऑफ डारमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स असिलेशन ऑफ सेंसेशन ऑफ लिप्स देखिए असिलेशन ऑफ सेंसेंस ऑफ द लिप्स इनहेबिट्स प्लांट ग्रोथ मेटाबोलिज्म एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इनहेबिट्स प्लांट ग्रोथ मेटाबोलिज्म एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अब देखिए इनहेबिट्स जिब्रेलिन आप एसिड को दोस्तों एंटीजिब्रिक भी भी नाम से भाता है चलिए आगे चलते हैं अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है इनहिबिट्स जिब्रेलिन इंडिस्ट अल्फा एमाइलेज फार्मेशन इन बार्ली एल्यूरोन बार्ली एल्यूरोन प्रोमो प्रोमोट्स एजिंग एजिंग एंड ऑपसन ऑफ लिप्स प्रोमोट्स एजिंग एंड ऑप्सीसन ऑफ लिप्स इट इज़ वाइडली यूज एज ए स्प्रेइंग एजेंट एंड ट्रीज टू रेगुलेट ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स ठीक है न तो फल जल्दी ना गिरे इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑफ रॉपिंग दूसरा है दोस्तों ग्रोथ इनिटर में ग्रोथ इन में दूसरा है एथिलीन देखिए एथिलीन में क्या कर रहा है एथिलीन इज ए गैसियस प्लांट हार्मोन। एथिलीन इज ए गैसियस प्लांट हार्मोन। एथिलीन इज प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट क्वान्टिटी बाई प्लांटिश माइन्यूट बाय प्लांट टिश्यू, बट इज एक्टिव एट लो कंसंट्रेशन। बट इज एक्टिव एट एक्सट्रीमली कंसंट्रेशंस। It is synthesized in plant from the methionine and essential amino acid uh, produced in chloroplast. It is synthes synthesized in plant from the methionine and essential amino acid produced in the chloroplast. Ethylene has several effects on. वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इट इज यूज एज बोथ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर यह दोनों की तरफ प्रयोग होता है द इफेक्ट ऑफ एथलिन आर एज फॉलोज तो देखिए इसके क्या क्या इफेक्ट हैं दोस्तों इनहेंसेज रेस्परेशन रेट थ्रू द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ना इनहेंसेज रेस्परेशन रेट थ्रू द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स दिस फिनामन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी टेरिक दिस फिन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी टेरिक इंडक्शन ऑफ एपिनास्टी चलिए आगे चलते हैं इनहिबिशन आफ इलांगेशन ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट्स स्टिमुलेशन सेल्स टू ग्रो आइसो डायमेट्रिकली स्टिमुलेशन आफ सेल्स टू ग्रो आइसो डायमेट्रिकली रेदर दैन लांगिटूडनली दज इनहेंसिंग रेडियल ग्रोथ रेदर दैन इलांगेशन ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट्स रेडियल ग्रोथ इंडक्शन ऑफ रूट हेयर फार्मेशन इंडक्शन ऑफ रूट हेयर फार्मेशन अब चलिए आगे चलते हैं क्या है प्रोमोशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑप्शीशन एंड सेंसेंस ऑप्शीशन एंड सेंसेंस इट इज अप्लाइड टू रबर ट्रीज टू स्टिम्युलेट द फ्लो ऑफ लेटेक्स इट इज अप्लाइड टू रबर ट्री टू स्टिम्युलेट द फ्लो ऑफ लेटेक्स तो रबर ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि लेटेक्स का जो फ्लो बढ़ जाए ये रहा दोस्तों प्लांट हार्मोन्स और उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं चलिए तो इसको यहीं पर देख लेते हैं देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन तो इसमें आपको बताना है कि कौन प्लांट हार्मोन नहीं तो अभी हम लोग ग्रोथ प्रोमोटर्स देखे थे तो साइटोकाइनिन और और ग्रोथ इनहिबिटर देखे थे एथिलीन को तो ये तीनों प्लांट प्लांट हार्मोन है इसमें कौन प्लांट हार्मोन नहीं है इंसुलिन इंसुलिन जो दोस्तों प्लांट हारमोन नहीं है और यही क्या होगा आपका आंसर होगा देखिए पर लिखा है ठीक ना अब हम लोग जब आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं तो इसको बहुत देखने की जरूरत नहीं है लेकिन देख लेते हैं इंसुलिन इज ए हारमोन प्रोड्यूस्ड इन देंक्रियाज बाय आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। जिसको शुगर होता उसके उसकी, उसकी मैंने शुगर में दोस्तों इंसुलिन का बहुत रोल होता है लैक ऑफ इंसुलिन काजेज डायबिटीज़ साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड जिब्रिलिन्स आर प्लांट हार्मोन्स। तो ये हो गया दोस्तों चलिए आगे चलते हैं इसमें बताइए विच ऑन प्लांट हार्मोन। देख रहे हैं पूछ लिया तो यहां पर देखिए साइटोकाइनिन जो है दोस्तों आप जानते हैं कि ये प्लांट हार्मोन है यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला प्लांट हारमोन आर जनरली क्लासिफाइड इंटू फाइव gibberellins, एसिड and ethylene. एंड तो एथिलीन उनको जो हम लोग तीन ग्रोथ और दो इनबिटर देखे थे उनको पांच में कर दिया है ठीक है ना दोस्तों तो आप जानते हैं कौन कौन से ऑक्सीन साइटोकनिन दो दोस्तों एक ग्रोथ प्रोमोटर हैं और ये दोनों कैसे हैं ग्रोथ इनहबिटर हैं। फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो दोस्तों प्लांट हार्मोन है तो आप बताई देंगे बताइए तीसरे का डी होगा साइटोकाइनिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन तो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है पांचवे पांचवे में दोस्तों बी हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है प्लांट हार्मोन है अब चलिए इसको इसको हम नहीं देखेंगे ठीक है ना प्लांट हार्मोन्स आर नेचुरली आकरिंग स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट्स दे अफेक्ट एंड कंट्रोल मेनी मेटाबोलिक एक्टिविटी आफ्टर बींग ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन वेरी लो क्वान्टिटी ऑक्सीन जिब्रोलिन साइटोकनिनसीिक एसिड एंड एथर आर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स ठीक है चलिए देख चुके हैं हारमोन्स रिलेटेड टू ड्राट टॉलरेंस इज कौन जो दोस्तों सूखा से लड़ने में पौधों को हेल्प करता है बताइए ये।, ये है आपसीसिक एसिड हार्मोन्स रिलेटेड टू ड्राट टॉलरेंस इज आपसीसिक एसिड Hormone Abscisic acid was discovered in the early 1960s, and plant biologists have known for decades that it plays a crucial role in keeping plants alive during the drought. Abscisic acid causes the temporary closure of stomata. Abscisic acid causes the temporary closure of stomata. वेन देयर इज ए शार्टेज ऑफ वाटर इट इज वेरी यूजफुल फॉर द्लान प्लान ग्रोविंग इन वाटर डेफिट सॉइल इट फंक्शन एज एंटी ट्रांस ट्रांस ट्रांसपीरेंट ट्रांसपेरेशन को लेकर आए एंटी ट्रांसपीरेंट एंड ऑल्सो नॉन एज देश हारमोन एंड ऑल्सो नोन एच देश हारमोन चलिए आगे चलते हैं दोस्तों स्टोमेटा को बंद कर देता है विच हार्मोन इज फाउंड इन द गैसियस फार्म हम लोग अभी पढ़े थे पढ़ रहे थे तो देखे थे कौन गैसियस फार्म में पाया एथिलीन जो दोस्तों गैसियस फार्म में पाया पाएता ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं यहां से दोस्तों ये सही नहीं दिए है द ग आर्टिफिशियल राइटनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज ठीक है ना तो ये कह रहा है कि किस गैस का प्रयोग जो है फलों को आर्टिफिशियली पकाने में किया जाता है तो एसिटिलिन का ठीक है ना इसको देख लेते हैं थोड़ा सा फिर बाद में हम लोग देख लेंगे अच्छे से द गैस इट फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स तो कौन सी होती है बताइए तो अभी हम लोग देखे हैं एसिटिलीन सातवा नंबर भी क्वेश्चन यही था च आर द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग तो फलों को पकाने के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है एथिलीन होता है चलिए आगे चलते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो फ्रूट बाई किसके द्वारा इसको अप्लाई करके तो स्प्रेइंग हार्मोन्स ऑन द्लावर्स हार्मोन्स ऑन द फ्लावर्स स्प्रेइंग हार्मोन्स करके दोस्तों तो हम लोग क्या कर सकते हैं सीडलेस टोमेटो को ग्रो कर सकते हैं चलिए आगे चलते हैं देखिए इसमें लिखा है दोस्तों पार्थेनोकार्पी इज ऑल्सो डिजायरेबल इन फ्रूट क्राफ्ट पार्थेनोकार्पी इज ऑल्सो डिजायरेबल इन फ्रूट क्राफ्ट दैट मे बी डिफिकल्ट टू पोलिनेट आर फर्टिलाइज सच है टोमेटो एंड समर स्क्वास वेन स्प्रेड ऑन देखिए समर स्क्वास वेन स्प्रेड ऑन द फ्लावर एनी ऑफ द प्लांट हार्मोन्स ट दिन सीडलेस फ्रूट दिस इज टर्न आर्टिफिशियलोकार दिस इज टर्न आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी तो चलिए दोस्तों ये खत्म हो गया और चलिए अब आगे चलते हैं तो आज की वीडियो इतने तक है दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं ताकि आपके मित्र तक भी पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में